आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन यूनाइट के सबसे क्रेजीएस्ट टॉपिक हमारे अपकमिंग पोकेमोन्स के बारे में। तो या सेरोलिज इन गेम इंट्रोड्यूस काफी जल्द होने वाला है, बट हमारे पास उसके मूव से रिगार्डिंग अपडेट आते रहते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस सारी वीडियोस में अपडेट्स आपको बताएं, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो यार आपको पता नहीं होंगे, तो प्लीज वे वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। और 70+ व्यूअर्स जो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, आप भी क्या उनमें से हो? सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको काफी क्रेजी अपडेट यहाँ से मिलती रहती है। तो हमारे पास सेरोलिज के रिगार्डिंग न्यू अपडेट्स आई है, साथ में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैराडोस को कैसे इवॉल्व किया जाए फास्ट वे में, क्योंकि मैजिक आप से गैराडोस को इवॉल्व करने में काफी टाइम लग रहा है। तो कुछ पॉइंट्स बेसिकली नहीं अफर्ट कहा जा रहा है यहाँ पे। मैजिक आपको कुछ अफर्ट्स करने होते हैं उसे अपने नेक्स्ट फॉर्म में जाने के लिए, मतलब गैराडोस के फॉर्म में जाने के लिए। तो क्या होने वाला है उसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में एक न्यू गेम मोड इंट्रोड्यूस होने वाला है काफी जल्द हमारे यूनाइट के अंदर, जिसके अंदर ड्रैगन टाइप पोकेमोन होंगे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चल के आई है कि जो रेजी ड्रैगो है, जो कि आपको पता है मैंने प्रीवियस अपडेट में शायद वो रेजी लिकी को रिप्लेस कर दे, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे कंफर्म अभी तो नहीं हुआ, बट ये होने क्या वाला है कि रेजी ड्रैगो एक न्यू मैप में आएगा। आई थिंक जो हमारा रैंक मैच है थाई स्काई, उसके अंदर आपको रेजी लिकी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रेजी ड्रैगो देखने को नहीं मिलेगा, रेजी लिकी ही रहेगा उसके अंदर। एंड हमारा जो न्यू मैप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पोकेमोन यूनाइट, उसके अंदर रेजी ड्रैगो आने वाला है। ये मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ, क्योंकि प्रीवियस अपडेट में मैंने बताया कि शायद रेजी लिकी को रिप्लेस कर दे, तो ऐसा अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है। एंड पिछले भी मैंने वीडियोस में यही बताया था कि कंफर्म नहीं है। एंड अभी जो हमारे पास न्यू मैप की वीडियो आ चुकी है, तो मैं वे भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ऑल्दो भाई आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग करते हैं हम सेरोलिज के मूव सेट से। तो उसके यूनाइट मूव से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स आई है। जैसे कि डाटा माइनर ने हमें कहा है, सेरोलिज सीम्स टू हैव अ स्किल सिमिलर टू जैसियन यूनाइट मूव, ओके, वॉन्ट बी दैट बिग बट सिमिलर, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा एंड सिमिलर रहेगा। यू कांट रोटेट इट एंड विल अटैक ओनली वेयर यू सेलेक्टेड यू कैन मूव, जहाँ पे तुम उसे सेलेक्टेड करोगे उस डायरेक्शन पे तुम मूव कर पाओगे, एंड सेम जैसियन जैसा टाइप होगा। बट उसके बाद उन्होंने कुछ और क्रेजी हमें शेयर करके बताया कि एक एनिम की क्लिप उन्होंने शेयर किया, बिल्कुल वैसा ही इसका यूनाइट मूव होने वाला है। सो इस क्लिप में जैसे कि आप देख सकते हैं, पिकाचू से सेरोलिज फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे ये एक टाइप पे मतलब गायब हो जाते हैं, किसी फैंटम फोर्स जैसे मूव टाइप है इसके अंदर ही चला जाता है एंड फिर बैक से ये डैमेज देता है। कुछ इसी फॉर्म के अंदर इसका यूनाइट मूव डिज़ाइन किया जा रहा है। तो भाई मैं काफ़ी वेट करो इसका अर्ली, जब हमारे पास फुटेज आएगा यूनाइट मूव का वो कैसा होने वाला है, क्योंकि एनिम की जो ये क्लिप हमें डाटा माइनर ने शेयर किया हुआ तो भाई ऑल्दो काफ़ी क्रेजी है। बाकी आपको भी मेरे साथ थोड़ा सा और वेट करना होगा इसके वीडियो का कि यूनाइट में इसका फॉर्म कैसा होने वाला है, तो उसके लिए भाई वेट करो, क्योंकि अभी तो वो क्लिप नहीं आई इसके यूनाइट मूव की, इस पर वर्क चल रहा है, तो काफ़ी जल्द हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गैराडोस के बारे में। तो गैराडोस को इवॉल्व करने में थोड़ा सा गैराडोस को अफोर्ड करना होता है, जो कि कुछ टाइप में होता है। पहली बात तो गैराडोस को टोटल पॉइंट जो होते हैं एफर्ट के फॉर्म में 10,000 होना चाहिए। तो ये इसके बार आप देख रहे हो एचपी के नीचे जो बार है, इसी से मतलब रिप्रेजेंट हो रहा है इसका अफर्ट। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो मूव से मतलब अपना बेसिक अटैक चलाते हो तो उससे 20 का यहाँ पे उसे अफर्ट मिलता है। अब ये सीधा ज़्यादा कैलकुलेशन है तो मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग है वे है, आप उसे फास्ट वे में इवॉल्व करने के लिए स्कोर कर सकते हो, क्योंकि स्कोरिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो अफर्ट कितना मिलेगा। अगर आप 10 पॉइंट से लेस का स्कोर करोगे तो आपको 400 का अफर्ट मिलेगा, एंड अगर आप 10 से ज़्यादा करोगे तो 1500 का अफर्ट मिलेगा। होप सो गाइस आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि प्लीज़ सेंटर लेन मत जाना एंड टॉप एंड बॉटम लेन में जाके अपने मैजिक काफ को गैराडोस में इवॉल्व करना, ये आपके लिए भी बेस्ट होगा और रैंक बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प होगा और काफ़ी जल्दी आप इवॉल्व कर पाओगे। या तो मुझे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा बताना, क्योंकि अब तो पॉइंट में सारे प्लेयर इसे बाई करने ही वाले होंगे। तो या अगर आपको इसके और अदर मूव्स एंड कॉम्बोज एंड बिल्ड एम्बलम भी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो पे 200 का लाइक एम कंप्लीट होता है तो मैं आई होप जल्दी से आपके पास गैराडोस की फुल गाइड वीडियो भी ड्रॉप कर दूँ। फिलहाल के लिए तो अपडेट्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा 1v1 मैप के बारे में। तो यह काफ़ी जल्द आपको कुछ न्यू मैप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर रेजी ड्रैगो आएगा, टॉप एंड बॉटम में वे स्पॉन होगा एंड उसे आप किल कर सकते हो। तो ये हमारे पास वीडियो आई है,
तो ये वीडियो आप देख सकते हो जिसके अंदर फैलिंग का ये गेम प्ले है और यहाँ पे रेजी ड्रैगो आ रखा है टॉप लेन के अंदर। बेसिकली ये जो मैप है हमारा क्विक बैटल के फॉर्मेट में आएगा जो कि 5 मिनट के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा और हमारे और साथ में 1v1 बैटल है जो कि इंटरेस्टिंग इस गेम को बनाने वाला है। तो या गेम काफ़ी ओपी जाने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, ये कब आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वीडियो इसका आ चुका है तो मैंने आप सब के लिए शेयर कर दिया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आपने जरूर से इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा अगर आप न्यू हो। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गाइस गुड बाय।